हेलो एवरीवन, दिस इज मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से स्टार्ट होने वाली है होली की सारी तैयारियां। जितना भी मीठे पकवान वगैरह ये सब बनते हैं, गुजिया वगैरह ये सब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि होली से दो तीन दिन पहले शायद कुछ एक मुहूर्त टाइप होता है, मेरे को ऐसे पता नहीं है, मम्मी वगैरह को पता होगा। तो वहाँ उस टाइम से होली की जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज वो दिन है और आज से हमारे यहाँ ये गुजिया वगैरह सब बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो होली पे अब हम जो भी चीज़ें करेंगे ना, वो आप लोग के साथ आगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है ना, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाए, और आने वाली न्यू अपकमिंग वीडियोस भी आप लोग को देखने को मिल जाए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कम विद मी गाइस। और यहाँ पे पहली शुरुआत हो रही है हमारे घर में अनरसे बनने की। पता नहीं कितने लोगों के यहाँ बनते होंगे, बट ये हमारे यहाँ ना बहुत ही ज्यादा लाइक पसंद किया जाता है इसको। मतलब हमारे यहाँ ना ज्यादातर रिलेटिव्स वगैरह या फिर हम मेरे घर में भी लोगों को ना ये वाली डिश बहुत ज्यादा पसंद है। ये स्वीट डिश ही होती है जिसका नाम अनरसे होता है, तो वो मम्मी बना रही थी। अच्छा, इसको पहले ऐसे बना के रखने पड़ते हैं? डायरेक्ट नहीं तलते एक एक बॉल बना के? होली प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, आज से बनना स्टार्ट हो रहा है सारी जितने भी पकवान बनते हैं ना होली पे वो। और बना कौन रहा है? मामी हमेशा की तरह। मैं आपको मजा आता है ना बनाने में वैसे। ये जो सारे होली के पकवान है ना, इसको ना हम लोग ज्यादा अच्छे से बनाना नहीं जानते। मम्मी ही हमेशा से बनाती हैं चीजें, तो हम लोग थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करवा देते हैं, बट ये ना मम्मी खुद से ही बनाती हैं। और ये जो डिश बन रही है ना अनरसे, इसको बनाने के लिए ना काफ़ी सारे रूल्स हैं। लाइक आपको चुपचाप खड़े होकर बनानी होती है, ना ज़्यादा बोलना होता है, और ना ही कोई और लोग आके इसमें मतलब हाथ लगाएं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें मम्मी ही करती हैं। फिर रेडी? कौन सी लगानी है इन दोनों में से? मिक्स कर लूं? ये वाली काजू वाली ना। चलो ये काम मेरा, ऐसे ना। वाओ, ओ गरम है बहुत। ऐसा मत कर, चम्मच ले ले। देखती हूँ ऐसा दबा दो। अरे ऐसे कैसे दबाऊंगी, उसके पीछे के हिस्से से? ऐसे ही अभी और भी बनाते हैं ना इसके बाद। चिंपू तुम भी कुछ करवा लो, खाएगा कौन फिर? जब सब काम ही करवाएंगे तब। ये भी है, यू आर सो इंटेलिजेंट। ये वाले अम्मा के लिए बन रहे हैं स्पेशल वाले। हाँ, थोड़े सॉफ्ट रहे जिससे ना। ये बाकी रेडी हो गए। और जब होली के पकवान बनने स्टार्ट होते हैं ना, तो यार बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। लाइक ना होली के एकदम से ना ऐसा लगता है वाओ होली आ गई है, दो तीन दिन पहले से ही होने लगता है ना। तो ऐसा लगता है त्यौहार दो तीन दिन का है। आजकल तो यार हर त्यौहार ही दो दिन के हो गए, तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। और शहरों में ना अब वो मज़ा भी नहीं रहा है कि त्यौहार का। पहले हम लोग जब अपने गाँव वगैरह जाते थे ना, तो ना बहुत मज़ा आता था। सब लोग साथ में बैठ के चीज़ें बनाते थे, खाते थे, वो चीज़ अलग ही थी एकदम। बट यहाँ पे भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उसी तरीके से सेलिब्रेट करें। और यहाँ पे देखो मम्मी ने दही बल्ले भी बनाना स्टार्ट कर दिया साइड बाय साइड। थोड़ी बहुत हेल्प तो मेरा करवाना भी बनता है। होली वाइब्स। मैं
भी पता है दही बल्ले भी बन गए और अब शाम को बनेंगी गुजिया, सब साथ में बैठ के बनाएंगे। और यहाँ पे मार्केट में देखो कलर्स वगैरह, पिचकारी वगैरह सारी चीजें मिलने लगी है ना, तो ना और ये सब देख के इतनी अच्छी सी खुशबू आती है और इतना मजा आता है। क्या बन रहा है? सेव। क्या? नमकीन सेव बेसन के। टैलेंट दिखा रही हो आप? मैं मैगी बना रही। फिलहाल बनने वाले हैं अब नमकीन सेव, जो स्पेशली हमारे यहाँ ना होली पे बनते हैं। गिरने वाले हैं मैगी और टूटने लगी मैगी। अरे अभी तेल तो जाने दे। अरे प्लेट में रख रहे हैं। मम्मी इसमें सारा टैलेंट अभी दिखा देगी? हाँ यार, मैं तो एक ही बार में हाथ टूट गए। बेटा इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एकदम ऐसे प्रेशर से निकलता है इसमें, है ना, लगता है इजी पर जब बनाओ तो बैंड बज जाती है अच्छी वाली। तुम सब बातें बनाएंगी? फिर कॉपीराइट आ जाएगा, है ना? मैं अपना गाना देखो, कहीं देखी ऐसी वीडियो के लिए काम करती हुई लड़की? देखी है, बहुत सारी देखी है, है ना? हाँ? बताओ ये क्या बना रही है? 10 सेकंड में कमेंट कर दो इस वीडियो पे, उसके बाद मैं बता दूंगी क्या बना रही है। मुझसे रुका नहीं जा रहा। ये हमें बेवकूफ बना रही है। ये मूवी बना रही है, ये बेवकूफ भी बना रही है। बहुत टफ है इसको बनाना, हाथ दर्द हो जाते हैं। दीदी जान से निकल गई। पीछे मुंह में पजामा देखना है मुझे तेरा। और ये देखिए यहाँ पे नमकीन से बनके भी रेडी हो गए हैं। म्यूजिशियन की टोली बैठ चुकी है होली के गाने गाने के लिए। बैठ गए। चलो गुजिया की तैयारी शुरू हो रही है। सोचते कैमरे में लग जाता है। अरे हाँ, और फिर जो तेरे लगता वो मेरे दांत लग जाते हैं। चलो गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। और पता है जब हम लोग गुजिया बनाने बैठते हैं ना, तो हम लोग होली के गाने चला लेते हैं और वैसे भी सब लोग साथ में बैठ के बनाते हैं तो बातें भी होती रहती हैं साइड बाय साइड, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि सब लोग बैठ के कोई चीज करते हैं ना तो वो चीज अलग ही लेवल की हो जाती है। और गुजिया बनाते टाइम वैसे भी बहुत सारी बनानी पड़ती है तो हम लोग म्यूजिक वगैरह ऑन कर लेते हैं, बहुत मजा आता है। बन गई? हाँ ऑलमोस्ट। मजा बहुत आता है बट थकावट हो जाती है। गुजिया जैसी बनाने बैठो ना नींद आने स्टार्ट हो जाती है ना? और अभी जैसे गुजिया बनाने के बाद उठेंगे तभी एक बजे तक जगेंगे। हाँ। है ना? अभी 2-2.5 घंटे जगते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए गुजिया बनके रेडी हो गई थी, मम्मी जा रही थी इसको फ्राई करने क्योंकि गुजिया को तो फ्राई करना पड़ता है ना, और जो बची कुची 2-3 गुजिया बनी थी उनको ये मैडम कंप्लीट कर रही थी। नमस्कार, मेहनत मेरा फूल हो गई। क्यों मेहनत थी? और तू ये बोली ना सारी तो बीमारियां हो गई तुझे जो गुजिया बनाने में। तो वो मोटिवेशन लेना चाहिए थी बीमारियों के बाद। गुजिया बनाते बनाते बीमार हो गई तू। बस चले तो हॉस्पिटल से मरीजों को बनाते काम करवा रहे खुद नहीं करके। देखो मैं बन गई गुजिया। बन गई गुजिया भी, ये मजा आ गया, थक गए बट मजा आ गया। बिना खाने के ना कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। फिलहाल बिना खाने के तो हर चीज ही अधूरी है बट स्पेशल खाने के फेस्टिवल एकदम अधूरा है। तो अभी यहाँ पे बना है बहुत ही अमेजिंग छोले भटूरे और गाजर आलू की सब्जी, रायता, दही बल्ले, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो अभी लिमिटेड ही लिया है इसमें, फिर भी देखो पूरी थाली भर गई है बट इतना टेस्टी है ना कि मजा आ गया खाने में। और अभी बस खाऊंगी, उसके बाद खेलेंगे हम लोग होली।
सो आज है छोटी होली, तो अभी हम लोग ने सबने पूजा की थी, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग का लंच चल रहा था। लंच सभी लोग साथ में कर रहे थे, बट ना मैं वीडियो बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत अंदर चली जाती हूँ, इसलिए मैं अंदर से वीडियो बना रही थी। उसके बाद सबके साथ बैठ के अब हम लोग ने लंच किया, और उसके बाद शाम को फिर से जो नीचे होलिका दहन होगा तो वहाँ पे जाएंगे होली जलाने। और ये देखिए मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें बना ली थी, तो मैंने लिमिटेड चीज़ों की वीडियो बनाई थी, सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई थी, बट ये इतने सारे पकवान मम्मी ने बना के रख लिए थे। और यहाँ पे ग्राउंड में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, तो होलिका दहन जब होता है तो सुबह लोग ना लाइक लेडीज जाके वहाँ पे पूजा वगैरह करती हैं, तो यहाँ पे वही सब हो रहा था, और शाम को फिर यहीं पे होली जलेगी। पूजा करने जा रहे हैं होली की। अरे अरे बंदों की रुक जा। और होलिका दहन का मुहूर्त हो गया था, तो हम लोग सब लोग ग्राउंड में आ गए थे, पूरी सोसाइटी के लोग इनफैक्ट इकट्ठे हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा रौनक थी होली की इस बार, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी यहाँ पे पूजा करने लगे थे, और उसके बाद होलिका दहन होने वाला था। हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखा सब ने कितना डेडिकेशन, डेडिकेशन कितना सबके अंदर, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अलग अलग ही बोला सब ने। अरे अरे यार ये ना हाँ बस जरा सही लगाया हो गया। चले हाँ चलो, बाकी होली सुबह खेलेंगे है ना। चल नहीं, वन टू थ्री हैप्पी होली, हम्मा होली मुबारक। तो यहाँ पे हम लोग ना होलिका दहन के बाद आ गए थे, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, लाइक मेरी दादी भी थी ना घर पे, तो सब लोग उनको, क्योंकि वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं, तो उनको घर पे ही रहना था, तो हम लोग उनको लेके नहीं गए थे। पहले हम लोग ने बोला था उनको चलने, बट वो नहीं ज्यादा चल पाती हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग पूजा करके आएंगे, और सब लोग आके फिर दादी से आशीर्वाद ले रहे थे। तो आप लोग भी अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, आपके बड़े पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, सबके साथ अच्छे से रहिए। सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं होता सबके साथ अच्छे रहने के लिए, हमेशा ही सबके साथ एवरी डे लाइक अपनी लाइफ में हमेशा सबके साथ अच्छे से ही रहो, सबका आशीर्वाद लेके रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबका सबकी रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ त्यौहार पर सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं ये सब करना होता, तो सबके साथ अच्छे से रहो, सेफली होली खेलना, एनिमल्स के साथ अच्छे से रहना, एंड हैप्पी होली। होली मुबारक अम्मा, दलियो मम्मी, देना हल्का सा रंग देना, अम्मा लो हाँ पहनिए, सही है। अरे मेरे बच्चे अम्मा को मेरे साथ होली खेलनी है, अम्मा कहते ला पहले बोल दे। स्वीटी भैया हैप्पी होली अम्मा, अरे बस आँख में नजर नहीं, मेरे नहीं है, हाँ होली मुबारक। आज हम लोग सब अपने नए नए घर की जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे अभी होली का दहन करके आए, और आज के लिए अभी तो इतना ही, क्योंकि ना अभी एक बार होली स्टार्ट कर दी ना तो फिर तो बैंड बज जानी है पूरी, इसलिए
बाकी होली ना हम लोग कल सुबह खेलने वाले हैं, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। क्योंकि अभी एक बार भी किसी ने हल्का सा वो कर दिया ना कि बस लगाना है, तो सारे ऐसे उतावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं क्योंकि अब तो हम भी लगाएंगे। तो इसलिए बहुत आवाज आ रही है। तो अभी हम लोग पूजा वूजा करके आए हैं, थोड़ा चाय नाश्ता कुछ करेंगे, उसके बाद क्या खाएंगे वो दिखाऊंगी। पर हाँ, होली भी ना थोड़ी सी सेफली खेलना, ना एनिमल्स को परेशान करना, ना अपने घर वालों को, ना कोई बाहर वालों को, एक तमीज से प्यार से हंसी मजाक के साथ होली खेलना। ये नहीं कि कोई ज्यादा ही पी पा के टुन्नों के मार पिटाई हो जाती है ना, वो वाली होली कोई मत खेलना प्लीज। तू भी मेरे साथ तमीज में होली खेली हो, बहुत बदतमीज से खेली है। मेरा मुंह सबसे ज्यादा तुम लोग ने ये करा है अभी के अभी, और पूरा टॉप मेरा व्हाइट टॉप था, मैंने बोला खराब मत करना, सब रंग खराब कर दिया, पूरा व्हाइट टॉप मेरा खराब कर दिया। चलो अभी मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग, आज है बड़ी वाली होली और मैं ना तैयार कर रही हूँ अपने आप को ऑयलिंग वगैरह करके। पहले अपने बालों में पूरा तेल वेल लगाऊंगी, फिर फेस वगैरह पे पूरा तेल वेल लगाऊंगी, क्योंकि उसके बाद जब कलर लगेगा ना तो वो इजीली छूट जाएगा, अदरवाइज ऑयल नहीं लगाऊंगी ना तो फिर पूरा रंग अच्छे से रहेगा पक्का, और दो तीन दिन तक रहेगा, इसलिए मैं ना ऑयल लगा रही हूँ, कोई सा भी लगा दो। होली खेलने से पहले ना अपने स्किन को अच्छे से ना पूरी प्रेप कर लेना, क्योंकि जो होली खेलने के बाद रंग लगता है ना पक्के पक्के वाले, क्योंकि होली कोई भी तमीज से नहीं खेलता, सब स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे आएंगे, फिर पूरा ऐसे ऐसे आएंगे, फिर झुंडे पकड़ पकड़ के खेलेंगे, तो फिर पहले से ही ना अपने आप को पूरा ऑयल से भर लेना। और मैंने तो अपने आप को रेडी कर लिया है, बालों में अच्छे से ऑयल लगा लिया है, पूरा रेडी हो चुकी हूँ। चलो अब मिलते हैं ग्राउंड में सीधा। मैंने सोचा होली खेलने से पहले ना नाश्ता वाश्ता सब कर लेती हूँ, पेट पूजा करूंगी, उसके बाद काम दूजा। खाने में ना बहुत सारी चीजें हैं, बट ना जैसे होली से पहले होता है ना, ये भी बन जाए वो भी बन जाए, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, बट जब बन जाता है ना तब मन ही नहीं करता खाने का, ऐसा शायद सबके साथ ही होता होगा। तो ना मैं भी नमकीन चीज खा रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा वैसे भी ऑलरेडी पसंद नहीं है। बाकी लोग भी बुला रहे हैं, खा क्यों, फिर जा रही हूँ नीचे। उन्होंने मेरे विदाउट हर्बल पोत डाला, ये भी लगेगा। अरे यार वैसे कहने गए, वो भी हर्बल है, खाने वाले में ना जाए। ये पहले डराते हैं हंस के। लगा रही है, लग गया ब्राउन कलर, जल्दी लगा। अरे वाइन के मुंह पे तो पता ही नहीं चल रहा, अरे आप तो मैच हो गए इसी से ही, नेचुरल कलर कुछ भी नहीं हो रहा आपके मुंह पे, ये फेशियल कर दिया इनका। आपका तो फेशियल हो गया, तो क्या नीचे चलते, नीचे नीचे या फोटो तो डाले, नीचे चलो फेशियल तो कर दूं, फेशियल हो रहा है, मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं पड़े, स्किन फट जाएगी। अरे अरे मुखे अंदर भी जाएगा, यहीं पे रखा जा रहा है, ये मुंह घिस दिया मेरे, नहीं अभी का अभी तो बस बैठे मुंह फटा हुआ है, लग गया आपके यार, इसमें है ही नहीं यार, दो तो प्रभु देखो, अभी तो रुक जाओ, अभी आपको भी बताती हूँ, थोड़ा इधर ही कर लो, वो उधर मत करो, हाँ हाँ चलो, थोड़ा कलर वाला लेके तो आज, अरे अरे
चलो यार आपके मुंह पे पता ही चल रहा हाँ ऐसे बांग्लादेशी दिखाना ऐसे दिखाओ जल्दी यहाँ मिलके हम दोनों एक टीम में अच्छा 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 नहीं नहीं चलो नीचे चलते नीचे मम्मी ओए नहीं कपड़ा भी नहीं चलो चलो नीचे दिखाना पापा कहाँ हैं हाँ आपने लगा रहे नहीं दिया झूला लगा रहा था इनके चले कलर तो ले लो नीचे चलते हैं चलो नीचे मिलते हैं और सबसे अच्छी बात ये हमको कलर ही नहीं है हाँ वैसे नीचे से लेने के कलर्स पक्के रंग लोगे क्या नहीं नहीं गुलाल लो गुलाल के है ना चलो अरे वाह अभी ना हम लोग अपनी सोसाइटी में फर्स्ट टाइम नीचे खेलने जा रहे हैं होली पता नहीं यहाँ पे कैसे होती है मतलब अभी ना थोड़े डीजे वीजे लगाए ना तो आवाज आ रही है बहुत मस्त मस्त और ये लोग इतना शोर मचा रहे अरे 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 दादा को छोड़ दिया दादा को भूल गए नीचे ही गर्ल्स आ रहे नीचे खेलेंगे लिफ्ट में मजा है हाँ शोर मत करो और चलो अब देखते हैं सोसाइटी में कैसे हो रही है होली उसके बाद ना ज्यादा देर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ना पानी वानी पड़ जाएगा फोन में दादा कहाँ गया तो ये हमारे ना सोसाइटी के गार्ड भैया हैं तो हमने सोचा हम इनको भी होली पे ना पोत पात के आते हैं क्योंकि ये बेचारे ऐसे टाइम में ड्यूटी कर रहे होते हैं ना तो ना अच्छा नहीं लगता तो हमने इनको मिठाइयाँ दी और इनके साथ होली खेल के आए और जो वो बैलून पड़ते ना पीठ पे पट वो बहुत गंदे लगते हैं नहीं यार मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं बहुत गंदी तरीके से तेरे को छोड़े आए तेरे को तुमने छोड़ दिया चलो चलते हैं पीछे हो रही है सोसाइटी की होली आपको हम आपके हैं कौन के माधुरी बन गए थे अभी हाँ रिक्वेस्ट है प्लीज डीजे वाले एरिया में पानी ना फेंक इधर नहीं है यार
स्टॉप स्टॉप पागल हो। अरे 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 न्यूज में हमारी फोटो आएगी। मीडिया आई थी ना तो हम लोग बीच में घुस गए। हम भी फोटो खिंचवाएंगे। नहीं है बिल्कुल क्लीन गाइस। सो अभी होली खेल ली है, बहुत मजा आया आज। और अभी ना जस्ट नहा धो के बैठे हैं और इतनी तेज नींद आ रही है ना, क्योंकि होली खेलने के बाद ना नींद आती है बहुत ज्यादा। तो अभी बस नहा धो लिए हैं और अब खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद देखते हैं, नींद आ गई तो सो जाएंगे और शाम को देखेंगे फिर क्या करना है। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ। सो आज के मेन्यू में है आलू की कचौड़ी, रायता, टमाटर, आलू और खीर। और खाना बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि मेरी मम्मी ना खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाती हैं, तो उनके हाथ का खाना ना हमेशा ही अमेजिंग होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज हैंग आउट विद यामिनी एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।